खबर हंडिया से है, जहां उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद दोपहिया वाहन चालकों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंपों पर भी बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी तारतम्य में जिला पुलिस कप्तान मनीष अग्रवाल के निर्देश पर हंडिया पुलिस थाने के सामने नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आदेश का पालन नहीं करने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों का फूल माला पहनाकर सम्मान भी किया जा रहा है। एएसआई पटेल ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर करीब 7,000 रूपये की राशि का चालान बनाया है। यातायात को लेकर अभी हमारे वरिष्ठ कार्यालय से आदेश निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चला रहा है, जो तेज गति से वाहन चला रहा है, इन लोगों को हमारे द्वारा समझा दी जा रही कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाए। इसको उपरांत भी जो व्यक्ति नहीं मान रहा है वो उनके खिलाफ वाहन चलाने समय हेलमेट न पहनने पर चालान किया जा रहा है। कितने लोगों के साथ चालान किए गए अभी तक? कल हमने अभियान चलाया था, कल चेकिंग में हमने 27 वाहन चालकों का बिना हेलमेट के चालान किया, 7,000 रुपये का हमने समन शुल्क